जी बिजनेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं आज की बड़ी खबर। ट्रेवल एजेंट और विदेशी एयरलाइंस कंपनियां एक बार फिर आमने सामने हैं। वजह है कमीशन में कमी। लागत घटाने के लिए एयरलाइंस कमीशन में कटौती चाहती है, लेकिन एजेंट कटौती के खिलाफ हैं। लंबे समय से विदेशी एयरलाइंस और ट्रेवल एजेंट्स के बीच कमीशन कम करने को लेकर लड़ाई चल रही है। ये एक बार फिर गर्माती दिख रही है। दरअसल एयरलाइन कंपनियां हर टिकट पर ट्रैवल एजेंट्स को कमीशन देती हैं, लेकिन खर्चों में बढ़ोतरी के कारण एयरलाइंस कंपनियां कमीशन में कटौती पर एक बार फिर विचार करने लगी हैं, और यही वजह है कि फिर ट्रैवल एजेंट्स ने इसका कड़ा विरोध किया है। इन दैट केस वी विल गो टू कोर्ट, इन दैट केस वी विल अप्रोच उफ्टा, इन दैट केस वी विल गो ऑन स्ट्राइक, इन दैट केस वी विल फाइट अगेंस्ट द एयरलाइन, वी विल नॉट सेल। फिलहाल तो हमारी लड़ाई ये है कि हम 7 से 5 से फिर 7 कर लें। भारत में कुछ साल पहले तक ट्रैवल एजेंट्स को टिकट बेचने पर कमीशन 10% मिलता था, जो 9% से 7 और 7 से फिलहाल 5% कर दिया गया है। लेकिन एयरलाइन कंपनी अब कमीशन की दर को 5% से घटाकर 3% करने का मन बना रही हैं। वहीं एयरलाइंस की दलील है कि खर्चों में कटौती करना उनकी मजबूरी है और इसका कुछ भार ट्रैवल एजेंट्स को भी झेलना होगा। लेकिन दुनिया भर में ट्रैवल एजेंट्स अपने नुकसान को कम करने के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं। Nowadays, there are travel agents who have grabbed the opportunity of charging a service fee. The others are consolidating, joining up forces, 2, 3, 4, 5 travel agency. One of them is IATA accredited, and he makes or whatever, and he makes the deals with the airlines. अब लड़ाई एयरलाइंस और ट्रैवल एजेंट्स के बीच भले ही हो, लेकिन खामियाजा ग्राहकों को ही झेलना पड़ेगा। ट्रैवल एजेंट्स ने धमकी दी है कि वो अपनी मांगे पूरी करने के लिए कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। अनुराग मानखंड, जी बिजनेस, दिल्ली। और आइए इस पर बात करते हैं सुभाष गोयल साहब से, चेयरमैन हैं स्टिक ट्रेवल्स के। वो बताएंगे कि एजेंट्स का ये कदम आगे कौन सा रुख लेगा। गोयल साहब, आपका स्वागत है। 2 साल बाद फिर ये लड़ाई एक बार बहुत जोर पकड़ रही है। 2004 के बाद 2 साल तक आप लोग चुपचाप बैठे रहे। एयरलाइंस कहती हैं कि वो 5% से कम करेंगी, आप चाहते नहीं, बीच का क्या रास्ता है? नहीं देखिए, ऐसा है कि ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में बिल्कुल जो एपिंग द वेस्ट की जो है कि जो अमेरिका ने चीज़ करी वो ठीक है। अब अगर अमेरिका ने 0% कमीशन कर दी और हम भी 0% कमीशन करें, ये तो बेवकूफ़ी है, क्योंकि वहाँ की कंडीशंस कुछ और हैं, यहाँ की कंडीशंस कुछ और हैं। अगर आप देखें जापान में अभी भी 9% कमीशन है, चाइना में अभी भी पूरी कमीशन है। अब सिर्फ अमेरिका में और कुछ पश्चिमी देशों ने, क्योंकि वहाँ पर कुछ नहीं करना, वहाँ पर सिर्फ एक मशीन के द्वारा या ई टिकटिंग है और सिर्फ आदमी को टिकट इशू हो जाती है। यहाँ पर क्या है कि लोगों के पास पासपोर्ट नहीं है, उनकी पासपोर्ट एप्लीकेशनें भरना, पासपोर्ट जमा कराना, जिसके ऊपर हमें कुछ नहीं मिलता। फिर उनके वीज़ाज हैं, वीज़ाज भरना, उनको समझाना, फिर नहीं पर इसका कमीशन आप एयरलाइन से क्यों लेंगे? नहीं, ऐसा होता है कि एक एजेंट्स हैं, जैसे प्रॉपर्टी एजेंट है। अब प्रॉपर्टी एजेंट ब्रोकरेज लेता है, ठीक है ना, इसी तरीके से इंश्योरेंस ब्रोकर्स हैं या आप स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर्स हैं, तो हम भी एक तरीके के ब्रोकर्स हैं। अब क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बढ़ रही हैं, एयरलाइंस जो GDS कंपनीज हैं उनको तो आप डॉलरों में पेमेंट कर रहे हो और बोगस सेक्टर्स के भी आप उनको पैसे दे रहे हो, और जो हमारी खून पसीने की कमाई है उसकी आप कमीशन हमें निचोड़ते जा रहे हो, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अब मरता क्या नहीं करता, ट्रैवल एजेंट जो बेचारा एक तो वैसे ही उसकी कमीशनें कम होती जा रही है, ऊपर से उसके ऊपर सर्विस टैक्स, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स और टैक्स के टैक्स ऊपर लग रहे हैं। पर अब एयरलाइंस और आपके बीच अब क्या रास्ता है? नहीं, एयरलाइंस को ये समझना चाहिए, हम एयरलाइंस को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारी जो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्रैवल में ज़्यादा डील करते हैं, जैसे टाई है, टाफी है, आईटा ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन है जी, तो हमारी हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं फुली, और अगर वो स्ट्राइक पे जाते हैं हम उनको सपोर्ट में स्ट्राइक करेंगे। नहीं पर एयरलाइंस तो मानने वाली नहीं, वो तो 2 साल बाद फिर वो कह रही हैं कि नहीं इसको तो कम करना ही पड़ेगा, हमारा प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है। नहीं, प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है, आप GDS के जितनी आप रिजर्वेशन करते हो उसको इंटरनेट पर डाल दो, आप सारी इन्वेंट्री इंटरनेट पर डाल दो। अब कॉन्टिनेंटल एयरलाइंस है, उन्होंने GDS की बजाय इंटरनेट पर इन्वेंट्री करी है और मिलियंस ऑफ डॉलर की सेविंग करी है, तो एजेंट को काहे को आप निचोड़ते हो? और एजेंट जो है, और ये सोचते हैं कि एजेंट की कमीशन कम करके ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे,
सर एक अब अंतिम सवाल, छोटा सा, समय की थोड़ी कमी है, अंतिम सवाल आपका, आखिरी फैसला क्या होगा? नहीं, हमारा फैसला होगा जो मेजॉरिटी ट्रैवल एजेंट्स डिसाइड करेंगे, हम तो कॉन्सेंसस के साथ जितनी और ऑर्गेनाइजेशंस हैं मिलके हम उन्हें सपोर्ट करेंगे। अगर एयरलाइंस को नेगोशिएटिंग टेबल पे आना है तो उनको समझाएंगे कि उनका फ़ायदा इसमें ही है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर आपने बनाया हुआ है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, और जो कम से कम 2000 ट्रैवल एजेंट हैं उनके एक एक ट्रैवल एजेंसी में हज़ारों आदमी काम कर रहा है, बेरोजगार हो जाएंगे, और यहाँ सर्विस फीस देने को कोई तैयार नहीं है जैसे कि वेस्ट में है, तो इसलिए इनको ये कंसिडर करना चाहिए कि यहाँ पर सर्विस फीस कोई नहीं देगा। थैंक यू। चलिए सुभाष गोयल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और इसके साथ ही लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आज की बड़ी खबर जारी रहेगी, देखते रहिए जी बिजनेस, आपको फायदा।